हाय फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हरिशंकर ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल में। अभी सुपौल जिला के नगर परिषद त्रिवेणीगंज में हैं और मैं बता दूं, रेल वाला जो काम चल रहा है सुपौल से अररिया गलगलिया के बीच, वह काम लमसम त्रिवेणीगंज तक पूरा होने वाला है। जैसे कि देखिए, बीच में गिट्टी का और साइड से जो ब्रेकेटर लगाया जाता है PCC ढलैया करके, वह देखिए किस तरह से हो रहा है और जल्द काम स्टार्टिंग होने वाला है। तो मैं देखिए, मेरा बाबू है, मेरी पत्नी है और मैं लेके आया हूँ आप लोग को दिखाने के लिए। देखिए इधर से जो काम चल रहा है और आयात निर्यात जो बंद है, ये इधर से आने वाला थोड़ा सा बचा हुआ, ये देखिए पूर्ण रूप से पिचिंग जो गिट्टी बालू से होता वह कर दिया गया है। अभी तो यह आयात निर्यात इस रास्ता का बंद हो चुका है। पीछे दूर नज़र आता होगा आप लोग को रोड ढलैया, तो उस होके जाने वाला है और वहाँ निकलने वाला ऊपर है जो आप देख रहे हैं मंजिल, वहाँ निकलने वाला है। तो फिलहाल आप पे जो हरिशंकर ब्लॉग चैनल के मैं सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरह का अपडेट वीडियो मैं आप लोग तक लाने का प्रयास करूंगा। फिलहाल देख मेरे पीछे देख रहे हैं किस तरह से रेलवे के लिए पटरी बिछाएगा, उस पर आप गिट्टी देख रहे हैं तैयार किया जा रहा है और ये दोनों साइड से PCC ढलैया किया जाता है ताकि इसके बाहर गिट्टी ना जा सके। और ये सिंगल रूट के लिए, लेकिन अभी तक डबल रूट के लिए तैयार किया जा रहा है, अभी सिंगल रूट ही होगा। और ये सुपौल से अररिया गलगलिया रेलवे लाइन की बड़ी अपडेट है और आज मैं बता दूं, बड़ी खुशी की बात है, सुपौल से लेकर त्रिवेणीगंज तक का काम पूरा होने वाला है। कुछ कुछ बाकी है, जल्द इस पर भी पटरी बिछाया जाएगा और आप हरिशंकर ब्लॉग चैनल के माध्यम से देखने का प्रयास करें। फिलहाल मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।